हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोली जाने वाली भाषा है। हमारे हिंदी सिनेमा में कई फिल्में बनती हैं, लेकिन हिंदी सिनेमा में भी कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो परदेसी हैं। आमतौर पर अंग्रेजी बोलने वाली ये एक्ट्रेसेस पर्दे पर हिंदी बोलती दिखाई देती हैं। इस पैकेज में हम इन एक्ट्रेसेस के हिंदी बोलने के अनुभव के बारे में ही बात करेंगे। सनी लियोनी बताती है कि मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, ये इस पर निर्भर करता है कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। इसके साथ ही सनी पुरानी बातों को याद करते हुए कहती हैं कि शुरुआत में लोग मेरी हिंदी को सुधारते नहीं थे क्योंकि उन्हें मेरी हिंदी बहुत क्यूट लगती थी। कैटरीना कैफ, मुझे हिंदी बोलते वक्त थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन शूटिंग करते समय कोई समस्या नहीं होती। शूट के वक्त तो हमें पूरा ध्यान स्क्रिप्ट पर देना होता है, और जब शॉट देना हो तो सहज होकर बस डायलॉग बोल देने होते हैं। हाँ, डबिंग करते वक्त मुझे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। नरगिस फखरी, मैं हिंदी में इंटरव्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैं अंग्रेजी भाषा के साथ पली बड़ी हूँ, इसलिए उसी में सहजता के साथ बातचीत कर सकती हूँ। क्या आप उनसे ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जिन्हें सुनकर आप कहें कि ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना? एली अब्राम, मैंने इस बात को गांठ बांध ली है, जैसा देश वैसा वेश। भारत में आने से पहले मैंने देवनागरी का कोर्स किया था, लेकिन इसके बावजूद मैं हिंदी में बोल नहीं पाती थी। शुरुआत में बहुत गड़बड़ हुई, बोलना कुछ और चाहती थी और बोल कुछ और देती थी, और इस बात से लोग मुझ पर बहुत हंसते थे। नोरा फतेही, मेरे लिए हिंदी सीखना बहुत कठिन था। जब आप बच्चे होते हो तो कोई भी भाषा सीखना आसान होता है, लेकिन बड़े हो जाने के बाद बहुत परेशानी होती है। लेकिन मुझे बॉलीवुड में अपनी जगह बनानी थी, और मैं ये जानती थी कि अगर बॉलीवुड में टिकना है तो मुझे भी हिंदी सीखनी होगी, इसलिए मैंने सीखी। हालांकि शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कतें आईं, लोगों से बात नहीं कर पाती थी। फिर मैंने एक हिंदी टीचर को हायर किया ताकि मैं बेसिक हिंदी सीख पाऊँ। कई सारी हिंदी फिल्में और सीरियल देखना शुरू कर दिया था, उसे देख देख कर लिखना शुरू कर देती थी। सनी लियोनी से जुड़ी और भी खबरें देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।